यहाँ देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव अब छह राशि के जातकों की हर तरीके की परेशानियों को हरने वाले हैं, यानी कि छह राशि के जातकों को भगवान शिव करने वाले हैं मालामाल। जी हाँ, आपको बता दें भगवान शिव की कृपा से आपको विजय मिलने वाली है, बस आप सही समय का इंतजार करें और आपके सारे बिगड़ते काम यहाँ पर पूरे होते नजर आएंगे। जी हाँ, आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल भी यहाँ पर मिलने वाला है। कारोबार में आई सभी मुश्किलें दूर होने के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो वही परिवार में खुशियों और सौभाग्य का माहौल बना रहेगा। आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में मित्रों का सपोर्ट आपको मिल सकता है, जो कि आपके लिए लकी चार्म भी साबित हो सकता है। जी हाँ, आमदनी के स्रोत हासिल होंगे, आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। जी हाँ, दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, यानी कि आज के दिन अगर आप प्रॉपर्टी सोना खरीदना चाहें तो आज का दिन बेहद ही ज्यादा शुभ है। तो वहीं आज आप कहीं बाहर मूवी देखने जरूर जा सकते हैं, ऐसे संकेत हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। सुख साधन के स्तर में वृद्धि होने के भी संकेत बने हुए हैं। पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है और कोई पुराना किस्सा आज आपकी जिंदगी में फिर से दोहराया जा सकता है, लेकिन आपको उसका शुभ फल ही प्राप्त होगा। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये छह राशि कौन सी है। ये छह राशि है मेष, सिंह, कन्या, मिथुन, मकर और कुंभ राशि। जी हाँ, अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शादीशुदा लोगों की जिंदगी में भी प्यार यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा, बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। जल्द ही जो वैवाहिक जोड़ा संतान की प्राप्ति चाहते हैं, उनको संतान सुख भी यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। जीवन साथी से जुड़ी हुई कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के भी यहाँ पर संकेत बने हुए हैं, तो वहीं आपका कोई अधूरा सपना भी पूरा हो सकता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।